नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम बता रहे थे आपको, जिससे कि आज चल भी रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब एक साथ मंच पर बैठते हैं, उखड़े उखड़े क्यों नजर आते हैं, क्या आसार है? पशुपतिनाथ पारस का बयान आ गया कि नीतीश कुमार जनवरी के अंत तक NDA में शामिल हो सकते हैं, इसकी अभी तक परिकल्पना की जा रही है। और जो जदयू और भाजपा के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने अभी से ही कहना शुरू कर दिया है यही बेस्ट गठबंधन है और इससे 40 की 40 सीट जीती जा सकती है NDA का। और क्या होगा हम बता दें, एक मुद्दा है और वो अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ, धुंध है अभी। मुकेश सहनी VIP पार्टी के, आखिर मुकेश सहनी करेंगे क्या? आज एक सप्ताह 10 दिन पहले तक खूब सुर्खियों में छाए थे, हेलीकॉप्टर यात्रा कर रहे थे, लेकिन उसके बंद हो जाने के बाद गुम हो गए। अब वो टटोल रहे हैं कि आखिर कौन सा दल उनके साथ होगा। लेकिन हमने कल दिखाया था कि BJP से ही जाने की उम्मीद है उनको, BJP से मिलेंगे, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ बता दें कि बद्री पूर्वे हैं और लगातार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है VIP पार्टी के, इनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेवारी है जिताने की सीट तालमेल को लेकर के। क्या सब तालमेल हो गया? इधर तो कोई तालमेल हुआ नहीं है और अभी तक हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी गठबंधन के इंतजार में हैं और किस दल के साथ गठबंधन होगा ये अभी कहना मुश्किल है। इतना क्यों है? देखिए, चिराग पासवान तो तय है NDA के साथ लड़ेंगे, हम पार्टी का तय है NDA के साथ लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा का तय, आखिर मुकेश जी इतना देरी क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो अभी संकल्प यात्रा जो 25 जुलाई से चली थी वो 6 दिसंबर तक तो उसी में व्यस्त थे, और जब संकल्प यात्रा के दरमियान लोगों को गंगा जल दे करके संकल्पित करना कराना और इकट्ठा करना, अपने सदस्यता को बढ़ाना, पदाधिकारीगण को जोड़ना, ये सभी कार्यों में हम लोग लगे हुए थे। अब जो है सो समय मिला है, तो अब गठबंधन का जो दौर चल रहा है, अभी मीटिंग सीटिंग जो हो रही है ऊँचे स्तर पर, तो उन लोगों का जो समय होगा उस समय में गठबंधन होगा तय। लेकिन अभी तक तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किसके साथ हैं, क्योंकि मुकेश सहनी के साथ एक ही बात, उनको भी नीतीश कुमार की तरफ पलटू राम कहा जाता है, तो क्या ऐसा नहीं कि फिर पलट देंगे, किधर जाएंगे, नहीं जाएंगे, कुछ फिर नीतीश कुमार के साथ जाएंगे या फिर क्या हो सकता है? अभी तक तो ऐसा हम लोग को आभास नहीं हुआ, हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं दर्शाया है कि किन दल के साथ हम जाएंगे, किन दल के साथ। आप ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो आपको भी लगता होगा कि उनका किस तरफ वो गाड़ी को दिशा किस तरफ देंगे, दाहिना देंगे, बाएं देंगे, कुछ तो पता लगता होगा। अभी तक तो हम लोगों को कुछ पता नहीं है, या न ही किसी पदाधिकारी को इसकी जानकारी है कि किस दल के साथ गठबंधन में जाएंगे, किसके साथ रहेंगे, लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। बद्री जी, आप चुनाव लड़े थे मधुबनी से, उस समय थोड़ा सा तनाव हो गया था, थोड़ा सा लगता है, तो क्या लगता है कि इस बार अगर सीट मिलती है, जैसा कि हमने पहले दिखाया कि संभावित है कि 2 सीट तो तय है, लेकिन 3 सीट मिलती है अगर, तो आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आप चुनाव लड़ेंगे ना? जरूर चुनाव लड़ेंगे, हमें तो पार्टी के नेता के द्वारा आश्वासन मिला हुआ है, या तो मधुबनी या झंझारपुर सीतामढ़ी, दोनों में से कोई एक सीट अलायंस में जो मिलेगा वहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसकी तैयारी आप कर रहे हैं? मैं मधुबनी में तो काफ़ी जोर शोर से तैयारी किया था संकल्प यात्रा के दरमियान, और सीतामढ़ी भी कई बार मैं गया हूँ, लोगों से संपर्क साधा हूँ, हमारे लोग हैं वहाँ, हमारे संबंधी लोग भी वहाँ हैं, हमारा व्यापार भी वहाँ है, और पॉलिटिकल अटैचमेंट भी वहाँ के नेता लोगों से रहा है, जैसे डॉक्टर रामचंद्र चौबे हैं, भोला राय जी विधायक थे, या वहाँ के बहुत सुखदेव राय जी थे, या जो भी अच्छे अच्छे लीडर लोग हैं, उन लोगों से हमारा संपर्क पुराना रहा है, सीतामढ़ी हमारा आना जाना हमेशा रहा है। अयोध्या जाएंगे क्या? नहीं, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नेता के रूप से ज़्यादा मैं एज ए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये बार बार कहा गया है कि आप 22 को अयोध्या मत आवे, तो मैं एक नागरिक के तौर पर कहना चाहता हूँ कि मैं 22 के बाद अयोध्या जाऊँगा। लालू यादव भी तो यही कहते हैं कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, कांग्रेस भी कहती है अयोध्या नहीं जाएंगे, आप लोग भी VIP पार्टी कहती है अयोध्या नहीं जाएंगे। हम तो पॉलिटिकल बात की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो जो वहाँ भीड़ लगेगी, हमारे देश विदेश के जो आगंतुक आएंगे, गेस्ट लोग आएंगे, तो उनको असुविधा न हो, इसीलिए हम लोग भीड़ वहाँ नहीं लगाएंगे। मैं देश के
और श्री राम भगवान के जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक मैं कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम ऐसा हो रहा है जो जैसे लग रहा है कि पूरे विश्व में ऐसा कार्यक्रम न कभी हुआ था और न आगे होने की संभावना है। पूरे विश्व के लोग यहाँ पधार रहे हैं, लोगों को सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मिली, इसलिए हम भी वहाँ भी लगाएंगे। क्योंकि अगर आप जाते तो पता लग जाता आप जिसकी के साथ, इसलिए आप लोग का भी अभी तक क्योंकि क्लियर नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि जो चुनाव कितने सीट पर लड़ने की आप लोग कितना व्यक्त किया है, अगर किसी से बताएंगे तालमेल। हमारे नेता माननीय नीतीश जी का कहना है कि कम से कम हम विधानसभा लोकसभा में 6 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, समझौता जिससे भी हो आगे देखिए होता है। पिछले लोकसभा में तो कुछ नहीं जीत पाए, उनका डिसीजन डायरेक्शन भी गलत था उनका, तो क्या लगता है कि इस बार लोकसभा में जीत पाएंगे? तो किस दल के साथ समझौता के साथ चुनाव लड़ा जाता है, दल पर निर्भर करेगा, जिस दल से मतलब कौन सा दल है जो जिता सकती है उनको उस पर वो चुनाव। हर जीत का जो विषय है वो तो जनता जो है उनके वोट पर निर्भर करता है कि उनका झुकाव किसके तरफ है। अभी वैसे बीजेपी वाले राम मंदिर का जो अभी जो स्थापना हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे फायदा पहुँचेगा आपके दल अगर शामिल होते हैं NDA में तो फायदा पहुँचेगा NDA में। हाँ, NDA वालों को तो उसका फायदा जरूर मिलेगा, ये तो निश्चित है। चूँकि ये आपके पास कोई विकल्प बचा है क्या? इंडिया गठबंधन में सीट ही नहीं है, वहाँ खुद मारामारी चल रही है, अब बीजेपी एक ही विकल्प है, NDA गठबंधन दूसरा है नहीं, तो ये तय होगा या नीतीश कुमार के साथ जाने का अलग नीतीश कुमार की संभावना बन रही है, कांग्रेस राजद के साथ मिलकर वाम दलों के साथ मिलकर अलग गठबंधन बनाएगी, नीतीश कुमार भी विकल्प सोच रहे हैं क्या, अगर तीसरा कोई फ्रंट बनेगा तो उसमें जा सकते हैं क्या? इस विषय पर तो हम नहीं कह सकते, इस विषय पर हमारे जो नेता है माननीय मुकेश सहनी जी वही बता सकते हैं, वही निर्णय लेंगे। और जो हम लोगों की बैठक जो पार्टी के अंदर हुई है पदाधिकारियों की, उसमें उनका यही कहना है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे समझ कर अच्छा डिसीजन लेंगे, हम लोग भी उनके डिसीजन के साथ हैं। क्या इस बार संकल्प यात्रा जो बड़ी कॉर्पोरेट यात्रा ऐसा निकाले थे, क्या लगता है उसका कुछ फ़ायदा होगा? जरूर फायदा होगा, ये तो दिखने में जरूर आता है कि कम से कम 25 जुलाई से लेकर के 6 दिसंबर तक प्रत्येक दिन लगभग हरेक जिला वाइज जो कार्यक्रम हुआ उसमें 8 से 10 हज़ार आदमी एकजुट होते थे, और वो भी ज़्यादातर उनके एक समाज के लोग जो जिनको संकल्पित कर रहे हैं कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने निषाद समाज को संकल्पित कराए हैं, और उसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा, और काफ़ी मेहनत किया मुकेश सहनी जी ने, तो ये आने वाले चुनाव में लोगों को उसका सीट के लिए जल्दीबाजी नहीं है मुकेश सहनी को, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जल्दीबाजी हो, राजद कह रहे हैं हमको कोई जल्दीबाजी नहीं, बीजेपी भी अभी कुछ कर नहीं रही है, वो देख रहे हैं कि उधर से अगर कुछ टूटेंगे तो हमारे तरफ आएंगे फिर वो बाद में निकालेंगे, इंडिया गठबंधन में है तो क्या नीतीश मुकेश सहनी को जल्दीबाजी नहीं कि बहुत दबाव देते जल्दी सीट फंड के लिए जल्दी कुछ सीट फंड के सब चले जाएंगे किसी तरह? अभी तो कई दल के नेता हैं अभी इंतजार में कि सीट फाइनल होगा, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, जीतनराम मांझी जी हैं, या कांग्रेस वाले हैं, बहुत लोग तो इंतजार में हैं कि कितने सीट पर फाइनल होगा कैसे होगा, तो गठबंधन का जो समय होगा बड़े दलों का उसी हिसाब से फिर गठबंधन तय होगा उनको कितना सीट दिया जाता है। इंडिया गठबंधन से तो गेट बंद हो गया, उसके बारे में तो हमारे नेताजी बता सकते हैं, भी आपको इंडिया नहीं, इसका हमें कोई जानकारी नहीं है ये कि हमारे नेताजी क्या डिसीजन है। जरूर जिस दल से बना लिया एकदम बहुत ज़्यादा हम लोग तैयारी कर चुके हैं, जिस दल से गठबंधन होगा हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के वोट बैंक के सारे आप चुनाव लड़ेंगे, कोई ये निश्चित नहीं, हमारे नेता जिससे गठबंधन करेंगे हम उनके साथ रहकर चुनाव। बीजेपी पार्टी का कितना प्रतिशत वोट बैंक है, कितना प्रतिशत वोट है जो आप दिखाएगा बीजेपी को, हमारे पास कितना प्रतिशत वोट बैंक है और हम इसका करेंगे और आपका 70% हमारे पास कितना प्रतिशत वोट बैंक है, आपने समीक्षा किया होगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो आकलन दिया था तो उसके अंतर्गत तो लगभग 9.5% वोट के साथ समाज का आता बिहार में, कई जाति में उसको उपजाति में उसको बांट दिया गया है, लेकिन उन लोगों का मानना है कि सभी लोग निषाद हैं, सभी निषाद दे देंगे मुकेश सहनी को वोट, वो बीजेपी या राजद में नहीं जाएंगे, किसी भी जाति का पूरा ये तो वोट एकत्रित नहीं होता है, तो उसमें निश्चित रूप से 75% है जो उनके साथ है, अभी बाकी 25% है देखते हुए चुनाव आते आते वो लोग भी साथ होने की कोशिश करेंगे कि हमारे नेता मुकेश सहनी जी जिसके साथ जाएंगे हम लोग कोशिश वो करेंगे।
जनता को क्या संदेश, सब सोच रहे हैं क्या मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला क्या करेंगे, जो उनके वोटर हैं जो उनके फॉलोवर हैं वो चाह रहे हैं कि मुकेश सहनी जल्दी कोई निर्णय ले, तो आपको घबराता नहीं है? अभी तो समय ही वैसा है, इंतजार की घड़ी है कि दल के यहाँ से आमंत्रण आता है हमारे नेताजी को, उनके साथ बैठ करके बातें बनती है और उसके उसी के हिसाब से अगर नहीं आमंत्रण मिला तो क्या करेंगे, अकेले लड़ेंगे? ये तो नेताजी बताएंगे, इस पर हमने अपनी राय नहीं दे सकते हैं। तो हम बता दें चूड़ादही का भोज आप किए थे कि नहीं? नहीं, हम चूड़ादही का भोज नहीं किए थे, ठंड ज़्यादा थी इसीलिए जैसो कुछ कार्यवस में व्यस्त था, इसीलिए चूड़ादही का लोग पूछते चूड़ादही बहाने की क्या टिकट मिली आपको, तो आप नहीं जवाब देंगे? इसीलिए चुनावी माहौल में तो इसकी चर्चा चलती ही है कि टिकट हुआ कि नहीं, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कैसे होगा, लोग तो चर्चा करते ही हैं। ये चर्चा अभी तो वो उसका ही बाजार है जो चर्चा का ही विषय है अभी। तो चलिए हम बता दें, देखिए कितना बड़ा पोस्टर लगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीआईपी पार्टी सब पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बनी विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी के साथ में, देखिए फूलन देवी का भी तस्वीर और शहीद जुब्बा सहनी। तो मुजफ्फरपुर से इनका ज़्यादा लगाव रहा है और वो टिकट भी कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि मुकेश सहनी के पास सिर्फ एक विकल्प बचा है, वो है एनडीए, और एनडीए की बात अभी सभी दलों से हो रही है। एक कोर कमेटी बात कर रही है कितने सीट किसको चाहिए, जिसमें बीजेपी ने कुछ सीट ऐसे लोगों के लिए छोड़ा है जो इंडिया गठबंधन से टूट कर अगर आते हैं वो ऐसे होंगे तो उनको सीट मिल सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन में खुद सीटों की मारामारी है। लालू यादव ने कल कहा कि उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमें जल्दबाजी है, जल्दी तय कीजिए, बता दीजिए कितना सीट दीजिएगा, नहीं तो हम विकल्प ढूंढेंगे। और नीतीश कुमार के सामने दो विकल्प बचे हैं, या तो एनडीए में आएंगे या फिर मुकेश सहनी या फिर अन्य कुछ दलों को मिला करके वो तीसरा फ्रंट बनाएंगे, और तीसरा फ्रंट अगर बनता है तो दोनों दल को यानी कि इंडिया को और एनडीए दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है। देखते रहिए बिहार मिता न्यूज, क्योंकि राजनीतिक उठापटक की हर घटना पर हमारी नजर है, लगातार दिखाते रहेंगे। धन्यवाद बद्री जी। धन्यवाद, और मैं यहाँ के बिहार जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समर्थन में आ गए। आपका जो समय हुआ तो देखा जाएगा किस करवट बैठती है। तो धन्यवाद, देखते रहे बिहार मिता न्यूज। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए GTPL चैनल 985 और सिटी केबल 277 पर 24 घंटे हम उपलब्ध है। धन्यवाद।